अपनी जिंदगी के फैसले तो ले ही सकती हूँ, और अब तो वैसे भी तलाक याफ्ता भी हो गई हूँ। आराम से, किराए का घर है आपका, अपना थोड़ी है। क्या सोच कर तूने इतनी बड़ी बात मुझसे निकाली है? हाँ, कर सकती हूँ मैं, बालिग हूँ, अपनी जिंदगी के फैसले तो ले ही सकती हूँ, और अब तो वैसे भी तलाक याफ्ता भी हो गई हूँ। क्यों फरीन, क्यों तू मेरी इज्जत को तार तार करने पे तुली हुई है? क्यों अजियत दे रही है मुझे? तकलीफ दे के मजा आता है तुझे? अपनी माँ पे रहम नहीं आता तुझे? शायद आपको याद नहीं है, अब्बू के इंतकाल के बाद अशर ने नहीं बल्कि मैंने आपको सहारा दिया था, मैंने इस घर को संभाला था। और अशर की नौकरी के लिए अपनी दोस्त के अब्बू से मिन्नतें करी थी मैंने, ताकि वो इस मुल्क से बाहर जाकर कमा सके। इस घर की खुशियों के लिए, आपके लिए, अपने बहन भाइयों के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया है? लेकिन आज जब मेरी खुशियों की बात है तो आप क्यों नहीं खुश मेरी खुशी में? आप तो मेरी माँ है, आप क्यों नहीं समझ रही मेरे दिल का हाल? मेरे दिल में सिर्फ समीर है, मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? नहीं बेटा, मैं तो तुझे आने वाली तकलीफों से बचाना चाहती हूँ। ये सीधी सी बात तुझे क्यों नहीं समझ में आ रही? जब मैं आज के घर में तकलीफ में थी, दुख में थी, दर्द में थी, तो बचा लिया था आपने मुझे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब अगर किसी ने तुझे एक कांटा भी चुबाने की कोशिश की ना, तो उनकी बेटी भी इस घर में होगी। क्या कहना क्या चाह रही हूँ? तेरा रिश्ता करवा रही हूँ बेटा, वो भी ऐसे घर में जहाँ तुझे दुख और तकलीफ देने का कोई सोच भी नहीं सकेगा। कौन सा रिश्ता, क्या बात कर रही हैं? हमाद से। सजल और अशर गए हैं हमाद की माँ से बात करने के लिए रिश्ते की। तूने अपने भाई के लिए इतनी कुर्बानियां दी ना, अब देख बदले में तेरा भाई तेरा दामन खुशियों से भर देगा। तुझे मेरा भरोसा नहीं है ना, लेकिन अपने प्यारे भाई का तो भरोसा है। उसे तो इनकार नहीं करेगी ना बेटा।